हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आईएएससी एप्लीकेशन फॉर्म। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि भैया जो फॉर्म है कैसे फिल करें, आईएएससी में एडमिशन लेना है हमें। सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप इस पेज पे आ जाओगे डायरेक्टली, तो सबसे पहले मैं बेसिक डिटेल फिल कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, वो नाम डालना है जो कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर है। देन सिंपल पासवर्ड डालना है, एंड दोबारा पासवर्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे मैं माय फेवरेट बुक कर लेता हूँ, एंड या फिर फोन नंबर कर लो एंड अनश्योर कर लो एंड जस्ट ये, ठीक है। तो मैं फिल कर देता हूँ अभी। तो यार मैंने सिंपल डिटेल सारी भर दी है, दिस इज नॉर्मल। रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने रजिस्टर पर क्लिक किया तो आपको जस्ट ईमेल वगैरह भेजा जाएगा। तो जस्ट जो है यहाँ बोला गया है कि जस्ट ईमेल पर जाके वेरिफिकेशन लिंक पर जाके क्लिक करो। तो ठीक है, मैं करता हूँ जाके क्लिक। सो यार ईमेल के अंदर प्रमोशन पेज में मेरे को एक लिंक आया है, ठीक है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया मेरे पास दो फिर से प्रोग्राम आ गए हैं। तो मैंने हो गया। अब जो है आपको यहाँ पे आने के बाद जो आपको ऊपर एक एडमिशन नाम से शो कर रहा था उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जो भी है आपका पासवर्ड, यूजर आईडी जो भी आपको डाल के इसमें लॉग इन कर लेना अभी, ठीक है। सो ये मेरी ईमेल आईडी है और ये जस्ट है, लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो जस्ट ये शो कर रहा है कि ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, अब मेरे को ये फिल करना है सारा, ठीक है। तो मैं फिल करता हूँ अभी। ओके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम वगैरह तो इसने डाल रखा होगा। पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। देन आपको स्टेट सेलेक्ट करना, राजस्थान मैंने सेलेक्ट किया है मदर टंग, क्योंकि अंदर आपकी जो भी आपके आसपास लैंग्वेज बोली जाती है तो वो आप सेलेक्ट करें। देन आप जो कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, सीट के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी से, तो आप जरूर सेलेक्ट करें। देन जस्ट ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अप्लीकेबल हो तो। उसके बाद सिंपल एड्रेस सेलेक्ट करना है जो कि ये दिया गया है। देन आपको अपना फोटो डालना है, एक आपको अपना सिग्नेचर डालना है, एक अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर डालना है, ठीक है। एंड नीचे आपको डालना है कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चली। तो जस्ट मैंने डाल दिया है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल से पता चली है, तो जस्ट आप भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ। एंड अब मुझसे 10th 12th की डिटेल मांगी जा रही है कि 10th कब पास की थी, तो जस्ट मैं 12th कर देता हूँ। एंड पासिंग ईयर 2022 एंड इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ, जैसे SPS लोशल, प्लेस एंड स्टिकर राजस्थान। देन जो है बोर्ड कौन सा था, तो जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका जो भी बोर्ड हो, जैसे मेरा राजस्थान बोर्ड है। देन मेरी सब्जेक्ट में डाल देता हूँ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड स्टेटस अपीयरिंग डाल देते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्क्रीन, सॉरी गाइस, आई रियली सॉरी फॉर दैट। आपको यहाँ पे 10th दिया गया, देखो 10th स्टैंडर्ड, तो आपको 10th क्लास की डिटेल डालनी है, गलती से मैंने 12th की डाल दी थी। एंड इंस्टीट्यूट नेम वगैरह फिर से फिल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको प्लेस डाल देना है, बोर्ड डाल देना है, जैसे आई एम फ्रॉम राजस्थान बोर्ड। एंड परसेंटेज डाल देते हैं, ठीक है, जैसे 96% आए थे। एंड अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा वो। सो जस्ट अब ये मांग रहा है कि आप कौन कौन से ऑप्शन से आना चाहते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सो जैसे कि जेई मेन, KUPY, नीट, SX, ठीक है, SX, SB, जेई मेन, SA, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो जिसके भी हिसाब से। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा कि दो दो फॉर्म फिल करना चाहते हो, राइट। तो जस्ट जो है आप ऐसे, या फिर अगर आप जेई के हिसाब से डालना चाहते हो देन कोई चक्कर नहीं है, आप डेई के हिसाब से भी डाल सकते हो, क्योंकि जस्ट आपका जो रिजल्ट है उसको आपको टाइम दिया जाएगा। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा 15 से 20 दिन का, जैसे आपका जेई का रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपको टाइम दिया जाएगा कि आप जस्ट जेई का डाल सके। अगर आपका KUPY का रिजल्ट नहीं आता है तो कोई चक्कर नहीं, आप वहाँ पे कुछ भी डिजिट फिल कर सकते हैं रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट बन चुका है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे अभी ये मैं शो कर रहा होगा कि ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब जस्ट मेरे को जो है परव्यू करके इसका पेमेंट करना है अभी। तो आई एग्री एंड आई पे द सबमिट फीस, जैसे कि 500 रुपये मुझसे मांग रहा है क्योंकि मैंने जनरल सेलेक्ट किया था। अगर आप जस्ट SC ST सेलेक्ट करते हैं देन जो है आपको कम भी हो सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप UPI में पेटीएम वगैरह का यूज ना करें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज करें, अच्छी इंटरनेट बैंकिंग जो भी हो, लोकल बैंक नहीं होना चाहिए, जैसे HDFC वगैरह हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। एंड QR कोड में भी बहुत सारा इश्यू आता रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए मुझे, एक UPI है, एक QR कोड है। तो जैसे ही मैं इसे स्कैन करता हूँ, ठीक है, तो आई एम एलिजिबल फॉर, जैसे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और जो है आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो वहां से। तो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बिल्डेक्स की तरफ से पेमेंट ये मांग रहा है। ओके तो ये सारा सीन है। या फिर आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अपने कार्ड नंबर यहाँ पे लगा के आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब यार जस्ट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वारी होगी कि भैया हमारा जो है कितना कट ऑफ जाएगा, कितने मार्क्स पे JEE पे एडमिशन हो जाएगा, कितने मार्क्स पे KPY पे एडमिशन हो जाएगा, कितनी रैंक पे जो है JEE एडवांस पे एडमिशन हो जाएगा। तो यार उसके वीडियो जल्द ही आ रहे होंगे इसी चैनल पे, तो जस्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। एंड जल्दी जैसे रिजल्ट आने से पहले पहले ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि हमेशा कितनी रैंक पे होता है और इस बार कितनी रैंक पे आपके एडमिशन हो रहे होंगे। ठीक है, एंड जस्ट खूब पढ़ते रहिए, अभी तो जस्ट आपके एग्जामिनेशन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये सारा चक्कर है। ओके सो जस्ट जो है यहाँ पे ये तो क्लोज हो चुके हैं, ये ही प्रोग्राम ओपन है अभी। तो जैसे इसके बारे में और अगर अपन आगे देखें इसकी क्या डिटेल दी गई है और बेसिकली, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो 31 मई तक एडमिशन जो भी है एप्लीकेशन ओपन है। तो लास्ट डेट है यार 31 मई, आज 29 तो हो चुकी है, तो जस्ट 2 से 3 दिन बचे हैं आप लोगों के पास, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और इंडिया का फर्स्ट रेपुटेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है IISc, एंड सिमिलियर आप आईशर को भी मान सकते हो, जैसे आईशर पुणे, मोहाली, भोपाल, कोलकाता इज वेरी गुड फॉर रिसर्च, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। एंड यार हमारा मिशन जो है काउंसलिंग गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम इज रनिंग, एंड हमारी टीम फुल ट्राई करती है कि आपकी कोई भी काउंसलिंग में कोई इश्यू ना आए और डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू ना आए और आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बाई चांस अगर एडमिशन नहीं करा पाती है टीम, देन ही विल प्रोवाइड फुल रिफंड और योर अमाउंट। ठीक है गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।